अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। आई एम नॉट साउंडिंग एक्टिव बट आई एम साउंडिंग फनी, क्योंकि इस वक्त मैं और ये हुमायूं साहब हम दोनों हो चुके, ये अभी नींद में है, ये रात से सोया भी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि हुआ क्या है। बेसिकली हमने आज जाना था सुकून के साथ उनकी ड्राइव पे, और उनका टाइमिंग जो है वो मुझे मोहसिन ने बताया था कि सुबह अराउंड 10 o'clock है, तो मैं रात को इसलिए नहीं सोया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट 9:30 बजे मेरी आंख लग गई, या 9 बजे मेरी आंख लग गई, और फिर जो है तकरीबन कह लें कि 11 बजे मेरी आंख खुली है। मैंने इस बंदे को कॉल की, इसने मुझे कहा था कि सुबह मुझे उठा लेना। नहाने में 1 घंटा लगाया। मैं नहाया नहीं, मैं बहुत लंबा चक्कर है वो। इतना टाइम क्यों? बताता हूँ, मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा हमायूं भाई आपने जाना है कि नहीं जाना? कहता है हुक्म करें। मैं कहा तुम सो रहे हो क्या? कहता है मैं तो सोया नहीं अभी, मतलब सोना है। यानी कि इस बंदे ने अपने बेचारे ने नींद खराब किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे लिए, मतलब मेरे साथ जाने के लिए नींद कुर्बान की, और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैं उठ गया, वरना आज काम खराब हो जाना था। लाइक आपको कोई इनवाइट, हाँ, क्योंकि हम और मजीद लेट हो रहे हैं तो लिहाजा हम लेट नहीं होना चाहते, तो लिहाजा इसलिए फिर बाय बाय पहुँच के जाना, फिर अभी बताऊंगा बाद में लाभ। तो अभी जो है हुमायूं को सुनने के अंदर, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। तो थिंग वॉज के मोहसिन का रात को मुझे मैसेज आया कि सुबह ड्राइव है सुकून वालों की, और वी आर इन्वाइटेड, सो वी हैव टू गो ओवर देयर। मोहसिन साहब खुद चले गए लाहौर, अब पता नहीं वो वैसे उठ गया होगा, मुझे उसकी मिस कॉल आई है, लेकिन अभी मेरे पास कॉल करने का टाइम नहीं है, तो मैं उसे मिल के ही कॉल कर लूँगा। तो ये है कि मैं सुबह आँख लग गई मेरी वेट करते करते कि चलो घंटा रह गया तो मैं निकल जाऊँगा। खैर एंड टाइम पे मेरी आंख खुली एंड वी वर ऑलरेडी लेट। ओए होए, ये अब एनक देखिए, एनक एनक लेने ग्लव्स गए हैं लेकिन एनक लगा के आए। तो सीन फिर ये हुआ जो है, हमने उसको पिक कर लिया है इस वाले बंदे को, इसलिए लगाए क्योंकि गाइस मैं कल रात से नहीं सोया, ठीक है। तो मैं भी बहुत कम सोया हूँ। खैर अभी ये है कि मेरी बात हो गई थी मैम से, और अब हम उनको जॉइन करेंगे जो पुल है चाना चौक का वो वाला, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भोपाल वाला। तो अभी वहाँ जाके आपसे जो है वो बात करेंगे, और जल्दी जल्दी में मुझे नहीं पता मैंने आज क्या पहना है, मुझे नहीं पता मेरा मुंह धुला है कि नहीं, मुझे नहीं पता मेरा कैमरा मैंने भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे उसके वो केसिंग का वो कवर नहीं था मिल रहा, इसलिए ये भी पागल हो गया बेचारा, खुद दौरे पड़ रहे हैं नींद के अंदर। ठीक है ठीक। हाँ जी बच्चों, आई मीन टू से लोगों, तो मैं क्या बात कर रहा था मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि हमने ट्रैवल काफ़ी लंबा किया है, एज यू कैन सी माई कंडीशन। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि और नहीं यार किए होंगे गजरे कजला इज दुम्बा। अच्छा नहीं नहीं, मुझे अपने दुम्बे, मैं अपने दुम्बे की बात कर रहा हूँ कि मुझे यकीन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा दुम्बा आएगा। ओ मेरा मतलब मोहसिन भाई आएंगे, वेरी रिस्पेक्टेबल, लेकिन स्टिल ही शोड अप। जी एक्चुअली रात को सडनली प्लान बन गया था लाहौर लक्ष्मी चौक जाने का। अच्छा जी जी, अभी अभी जो है ना माशाल्लाह ये एक बज के गाड़ी खड़ी लॉक है ना, मोहसिन चाबियाँ मेरी उसमें पड़ी हैं। तो 1:22 हो चुके हैं, और इस वक्त मैं हुमायूं और मोहसिन और सुकून की जो टीम है वो इस वक्त राशन ड्राइव पे निकली हुई है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द राशन बैग्स। तो ये जो है सुकून की टीम है, जिनमें 2 वॉलंटियर्स आगे जा रहे हैं और एक मैम है जो पीछे पीछे जा रही हैं, और ये जो है अब होम टू होम जाके तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी जो है वो, क्योंकि हम आइडेंटिटी तो शो नहीं करवा सकते, सो आई वाज सेइंग कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोहसिन जो है वो आएगा, बट स्टिल ही शोड अप एंड वेक अप अर्ली। लेकिन हालांकि आम रूटीन में ऐसे उठता नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं इन वाले भाई से बात कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है वो, असल में बोल रहे हैं मास्क में सबको नज़र नहीं आ रहा, बट ये है कि आज हमने लॉन्ग ड्राइव की है बहुत अच्छे के बाद, अभी बाइक के ऊपर तो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। क्यों हमारे भाई मज़ा आया कि नहीं आया आपको? अंदर की बातें तो अभी मैं बता ही नहीं। नहीं नहीं, अंदर वाली बातें नहीं बतानी, अंदर वाली बातें नहीं बतानी, बस हमें मज़ा आया। मौसम भाई में देखे जा रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं। देख अभी जो है हमने यहाँ पे एक राशन बैग जो प्लेस कर दिया है, लेकिन ये है कि हम सारी बात है सुकून वाले जो हैं उनकी ये एक चीज़ है कि वो जब किसी की हेल्प करते हैं, तो ये है कि जिस तरह उनकी एक कह लें पॉलिसी है या एक उनका रूल है कि वो किसी की भी आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं करवाते। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शो के टू होम वी आर डिलीवरिंग और दे आर डिलीवरिंग, और
इसलिए बस आपको एक ओवरव्यू जो है ना वो दे रहे हैं कि काम जो है वो किस तरह होता है, क्योंकि जो लोग तू बोल रहा नहीं तू बोल रहा बिच तो इतनी मैं इंटेलेक्चुअल गुफ्तगु कर रहा हूँ, तुम अपना बीच में ठोंस लो। आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं, फिर आप प्रीमियम में जाके उसकी आवाज़ को फुल ऊंचा करेंगे और नहीं बेटा दिस इज़ आईफोन। सो आई वाज सेइंग कि दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि शो ऑफ किया जाए, जैसा ये शो ऑफ कर रहे हैं, जैसा ये शो ऑफ कर रहे हैं ना अपना कैमरा, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। व्लॉग बन रहे कि तुम अभी जूझू मुझे गप्पे मार रहे हो? नहीं नहीं मैं व्लॉग नहीं बना रहा, सीन ये है कि मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि देखो कितना मज़े का सीन है। मैं इतना पोज दे रहा कि हो रही फोटो खींचती पी है। आई वाज सेइंग कि दिखाने का मकसद, 10 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि दिखाने का मकसद अगे नहीं गल टुटती थी। सो बेसिकली बताने का मकसद ये नहीं होता कि शो ऑफ किया जाए, या दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि शो ऑफ किया जाए, बल्कि ये मकसद होता है कि जो लोग डोनेशंस अपनी भेज रहे हैं, जो लोग डोनेशंस कर रहे हैं, उनकी जो डोनेशंस हैं वो बेसिकली कहाँ पे और किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, आइदर दे आर गोइंग इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। अभी ये है कि लोकेशन जो है वो हमने चेंज की है और इस वक्त far away is a black car, पता नहीं मेरा हाथ किधर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बट वो देखें मौसम ये ठीक है, तो वो भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कासिम भाई जिनका शायद रोज़ है, तो वो उनका मौन व्रत है, बोल नहीं सकते, मैं नहीं बोल सकता। और हमारे साथ मोहसिन भाई और द वन एंड ओनली हुमायज अली द फोटोग्राफर द ब्लॉगर द ब्लॉगर द फोटो एडिटर द तो अभी जो है मुझे आई एम नॉट श्योर कि कितनी लोकेशंस और हैं जो इन्होंने चेंज करनी है। वैसे मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मोहसिन भाई की भी राय थी कि अगर एक स्पॉट पे सबको बुला के कर दिया जाता तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ कि आप हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करें या तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन रख लें, बल्कि ये चीज़ भी फिर एक मेरे जहन में आती है कि उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते बल्कि हम खुद डिलीवर करते हैं। तो सारी बात अगर वो वाला सीन हो, अगर वो वाला सीन है तो फिर तो देन दिस इज़ फाइन, लाइक आप एक एक घर में जाके डिलीवर कर रहे हो तो देन इट्स फाइन। तो वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम आउट और दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, और क्योंकि हम दिखा नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट रिवीलिंग द आइडेंटिटीज़ और द हाउसेज एज वेल, तो इसलिए बस हम आपको थोड़े बहुत क्लिप्स जो हैं वो एक्टिविटी के दिखा रहे हैं। तो मौसम में किसी को लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख और इनका तकरीबन 90% इरादा बन चुका है कि आज रोज़े को तोड़ेंगे, और इसके लिए इन्होंने खाने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ रखा हुआ है, जैसे कि सैनिटाइज़र इनकेस अगर इनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे जो है इन्होंने यानी कि हमने भी इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह एज यू कैन सी हुमायज भाई इज थैंकिंग गॉड के काम ख़त्म हो गए क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ऑलमोस्ट कितने बैग थे, 12 बैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और कितने डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 12 के 12 ही डिस्ट्रीब्यूट जो हैं वो हो चुके हैं। तो विच मीन्स के द वर्क इज़ डन नाउ और अब हमें मिल गई है छुट्टी। सो फाइनली गाइस द एक्टिविटी इज़ ओवर फॉर टुडे और हमने इनके साथ मिलके सारे जो वो हैं राशन बैग्स वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सियालकोट अगेन, और मेरे ख्याल से कि सीधे ही निकलेंगे आई गेस। सो तो अभी जो है ये मोहसिन भाई और वो सारे जा रहे हैं, तब हम भी इनके पीछे पीछे जाएंगे और इसके बाद हम सियालकोट को जाएंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं।